बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति। तो ज्यामिति से हम भलीभांति परिचित है। ज्यामिति क्या है? तो गणित की एक शाखा है जिसके अंदर हम बिंदु, रेखा, तल, समतल व ठोस आकृतियों का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। तो प्रायोगिक शब्द बना है प्रयोग से। तो हम जानते हैं, आप लोग साइंस पढ़ते ही हैं, साइंस में आप लोग प्रयोग करते हैं, मतलब प्रयोग में क्या होता है, हम खुद करके ही निष्कर्ष निकालते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी हमको खुद से रचनाएं करनी है। तो यहाँ पर हमें रचना किस चीज़ की करनी है वो हम देखते हैं। तो कक्षा 7 में आपने रचना करना सीखा है त्रिभुज की। तो हमने कक्षा 7 में देखा था कि त्रिभुज की रचना करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, या 3 चीज़ें मतलब 3 मापे। वह मापे या तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई हो सकती है या त्रिभुज का कोई कोण हो सकता है। परंतु कुल कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है किसी भी त्रिभुज की रचना करने के लिए? तो 3 मापों की आवश्यकता होती है, जो भुजाएँ भी हो सकती है और कोण भी हो सकती है। तो 3 मापे अगर आपके पास है तो आप एक अद्वितीय त्रिभुज बना सकते हैं। अब यहाँ कक्षा 8 में हमें क्या करना है? कक्षा 8 में हमें चतुर्भुज की रचना करनी है। तो आपके दिमाग में आएगा कि त्रिभुज के लिए 3 चीज़ें आवश्यक है या 3 मापे आवश्यक है, तो चतुर्भुज के लिए 4 मापे आवश्यक होगी। परंतु ऐसा नहीं है। देखिए कैसे, आपके पास एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात है। ये 100 सेंटीमीटर है, ये 80 है, ये 80 है, क्लियर? ये 80, ये 80 और ये 100। एक ये ऐसा चतुर्भुज है। अब एक ऐसा चतुर्भुज है, इसमें भी सेम है, ये 100, ये 100, ये 80 और ये 80। अब मापे तो इसमें भी वही है, 100 80 80। ये ऐसा भी बन सकता है, ये भी वही है, ये 100 है, ये 100 है, ये 80 है, ये 80 है। तो मापे तो इन तीनों में सेम ही है चारों भुजाओं की, परंतु ये चतुर्भुज और ये चतुर्भुज अलग है, ये चतुर्भुज और ये चतुर्भुज अलग है, तीनों अलग अलग चतुर्भुज हैं। तो हमको यहाँ से क्या पता चला कि यदि 4 मापे हैं तो हम अद्वितीय चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते। तो आपको यदि अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करनी है तो पर्याप्त मापे कितनी होगी? तो 5 होगी। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करने के लिए कोई भी 5 मापे, चाहे वह भुजाएँ हों या कोण हों, परंतु कुल कितनी मापे हमें ज्ञात होनी चाहिए? तो 5 मापे ज्ञात होनी चाहिए, तभी हम एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो 5 मापे पर्याप्त है एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करने के लिए, क्लियर? अब आपको क्या क्या करना है, तो देखिए यहाँ हमें चतुर्भुज की रचना करनी है जब क्या दिया गया हो, पहला, जब 4 भुजाएँ और एक विकर्ण दिया हुआ हो। तो 4 भुजाएं और एक विकर्ण, 5 मापे अपने पास हैं, तो हम अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो ये इस पर आधारित होगी आपकी प्रश्नावली 4.1। दूसरी बार में क्या दिया होगा? जब 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दी होगी, ये इस पर आधारित होगी प्रश्नावली 4.2। जब 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोण दिए होंगे, कुल 5 मापे हैं अपने पास, तो ये 4.3। जब 3 भुजाएं और उनके बीच के 2 कोण दिए हों, इस पर आधारित होगी 4.4। और विशिष्ट गुणों को ध्यान में रखते हुए कुछ चतुर्भुजों की रचना करनी होगी, वह होंगी प्रश्नावली 4.5। तो आज की वीडियो में हम 4.1 करेंगे, जो कि आधारित होगी जब 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हो। तो इसको शुरू करने से पहले हम आपके NCERT की बुक में दिया गया एक उदाहरण समझते हैं। देखिए उदाहरण पहला क्या दिया गया है, ये सब आधारित है 4 भुजाएं और एक विकर्ण पर, प्रश्नावली 4.1 और उसका उदाहरण। तो देखिए क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए। हमको एक चतुर्भुज की रचना करनी है PQRS की, जिसमें PQ दिया है, QR, RS, PS और PR ये दिए गए हैं। तो हम किसी भी चतुर्भुज या त्रिभुज की किसी की भी रचना करते हैं तो हमने समझा है कि हम पहले एक कच्ची आकृति बनाएंगे, क्लियर? तो देखिए एक कच्ची आकृति बनाते हैं, कोई भी आप एक चतुर्भुज बना लेंगे, इसकी आकृति आप कैसी भी ले सकते हैं क्योंकि ये कच्ची आकृति है, क्लियर? हमने यहाँ पर नाम दे दिया PQRS। अब जो माप दी गई है वह भी लिख देते हैं। देखिए PQ,
पी क्यू दिया है आपको 4 सेंटीमीटर का, क्यू आर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ये क्यू आर 6 सेंटीमीटर, आर एस ये आर एस 5 सेंटीमीटर, फिर पी एस 5.5 सेंटीमीटर और पी आर 7 सेंटीमीटर का दिया गया है, ये पी आर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये सारी मापें हमने इस कच्ची आकृति में प्रदर्शित कर दी। तो ये कच्ची आकृति क्यों बनाते हैं हम, तो जब हम चतुर्भुज की रचना करेंगे तो हम इसके अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमको दिख रहा है कि पी आर खींचे हम 7 सेंटीमीटर की। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले पी आर ही खींचें, आप पी एस से लेके भी शुरू कर सकते हैं, इसका कोई एक ही मेथड नहीं है बनाने का, क्लियर। तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं पी एस को, ये जो बीच में जो विकर्ण दिया है पी आर को लेकर, क्लियर। तो आप हल में यहाँ लिख देंगे, हल यहाँ लिखेंगे कच्ची आकृति, क्लियर। और फिर आपको एक कच्ची आकृति बना देनी है। अगली स्लाइड पे देखिए, अब हम इसका रचना करना सीखते हैं कि कैसे रचना की जाती है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं पी आर 7 सेंटीमीटर की बनाते हैं। अब पी आर 7 सेंटीमीटर की बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो आपके पास में होती है स्केल, तो आप स्केल लेंगे, ये स्केल ली हमने, हमको लाइन खींचनी है 7 सेंटीमीटर। तो एक डॉट हमने 0 पे लगा लिया, एक डॉट हमने 7 पे लगा लिया और इसको मिलाएंगे, आप बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना, क्लियर। अब हमको क्या करना है, इसका नाम दे देंगे पी आर 7 सेंटीमीटर, क्लियर। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, ये हमने बना लिया पी आर 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें दिख रहा है कि पी से ऊपर की तरफ पी क्यू है वह कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु पी पर प्रकार की नोक को रखेंगे, आपके पास प्रकार भी होगा तो आप प्रकार उठाएंगे और इसकी नोक को रखेंगे हम पी पर, और प्रकार को खोलना कितना है, तो 4 सेंटीमीटर जितना खोलेंगे हम, ये खोल लिया हमने 4 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, चाप काटना है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हमने काटा एक चाप, क्लियर। अब क्या करना है, इस जो प्रकार की नोक है उसको हमको रखना है दूसरे बिंदु पर, देखिए इसको अब हम रखेंगे इस बिंदु पर, आर बिंदु पर, और कितने नाप का चाप काटेंगे, तो काटेंगे हम 6 सेंटीमीटर का चाप। तो इसको खोलेंगे आप, कितना खोलेंगे, 6 जितना, देखिए यहाँ पर 6 आता है, ये आ गया 6 सेंटीमीटर, और इसका हमको चाप काटना है, तो यहाँ पर हमने एक चाप काटा, इस चाप को बड़ा करना होगा। तो देखते हैं इसको वापस से हम करते हैं बड़ा, इसकी नोक वापस कहाँ रखनी होगी हमको, ये रखी हमने इसकी नोक पी पर, और अब हम चाप काट रहे हैं, पहले वाला चाप कितने लंबाई का था, 4 सेंटीमीटर, तो इसको खोला हमने 4 सेंटीमीटर के बराबर। अब 4 का खोल के हमको काटना है चाप, ये काटा चाप, प्रकार का काम अभी यहाँ पर ख़त्म हुआ। ये बिंदु देखिए कौन सा मिला हमको, क्यू बिंदु, इस बिंदु को नाम दे दीजिए क्यू। अब आपको क्या करना है, स्केल से पी को क्यू से मिलाएंगे और क्यू को आर से मिलाएंगे। तो कैसे मिलाएंगे, स्केल से मिलाएंगे आप लोग, ये मिला दिया और एक इसको मिला दिया, और ये कितना था, 4 सेंटीमीटर, और ये कितना था, 6 सेंटीमीटर, ये भी हमने शो कर दिया 4 और 6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो देखिए ये 4 और 6, ये इतना कंस्ट्रक्शन हो गया, इतनी रचना हमने कर ली। अब क्या करेंगे, वापस प्रकार की नोक को रखेंगे पी पर और नीचे की तरफ एक चाप काटेंगे 5.5 सेंटीमीटर का, क्लियर। तो वापस उठाएंगे हम प्रकार, अब प्रकार की नोक को रखा हमने पी पर, अब हमको चाप काटना है नीचे की तरफ और कितने का, तो देखिए वापस से 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटना है, तो इस नोक को खोलना पड़ेगा हमको, ये हमने खोला 5.5 और एक चाप काटा, क्लियर। अब हमको प्रकार की नोक को रखना होगा इस आर पे, ये रख दिया हमने आर पे, और कितना चाप काटना है हमको,
5 सेंटीमीटर का, तो इसको हमने खोला 5 सेंटीमीटर जितना, और फिर नीचे की तरफ एक चाप काटना है, तो ये हमने काटा नीचे की तरफ एक चाप। क्लियर। अब ये पॉइंट हमको कौन सा मिला, देखिए इसमें एस लिखा है यहाँ पर हमने, तो ये हमको पॉइंट मिल गया एस। अब क्या करेंगे, एस को पी से मिला देंगे, आप स्केल से मिलाएंगे, और आर को भी एस से मिलाएंगे, आर को मिला दिया एस से, तो ये तो मिला 5.5, और ये था आर एस 5 का, तो यहाँ लिख दिया हमने 5। तो इस प्रकार हमको एक अभीष्ट चतुर्भुज, क्या नाम है इसका, पी क्यू आर एस प्राप्त हुआ। क्लियर, समझ में आया। अब इसकी रचना भी आपको लिखनी होगी, तो रचना के पद आप साइड में लिखेंगे, रचना के पद। क्लियर। तो सबसे फर्स्ट काम हमने क्या करा, सर्वप्रथम पी आर 7 सेंटीमीटर की खींचते हैं, सर्वप्रथम पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर की खींची। इसके बाद हमने क्या करा, पी से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप पी आर के ऊपर की ओर काटा, ये पी आर, इसके ऊपर की ओर हमने 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटा है, तो क्या लिख देंगे हम सेकंड पॉइंट में, पी बिंदु पी से, बिंदु पी से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप पी आर के ऊपर की ओर, पी आर के ऊपर की ओर काटा। क्लियर। तीसरा काम हमने क्या करा, तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, बिंदु आर से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप ऊपर की ओर काटा, बिंदु आर से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, जो पहले वाले चाप को, जो पहले वाले चाप को कौन से बिंदु पर काटता है, बिंदु Q पर काटता है, जो पहले वाले चाप को बिंदु Q पर, बिंदु Q पर काटता है। अगली स्टेप में हमने क्या किया, पी क्यू व क्यू आर को मिलाया, पी क्यू व क्यू आर को मिलाया। क्लियर। पांचवे में क्या किया हमने, बिंदु P से 5.5 त्रिज्या का चाप नीचे की ओर काटा, तो लिखेंगे यहाँ पर बिंदु P से 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप पी आर के नीचे की ओर, ये पी आर है, इसके नीचे की ओर काटा, तो पी आर के नीचे की ओर काटा। अगली स्टेप में क्या किया, आर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, तो आर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप नीचे की ओर काटा, काटा जो पहले वाले चाप को कौन से बिंदु पर, एस बिंदु पर, जो पहले वाले चाप को एस बिंदु पर काटता है। क्लियर, काटता है। फिर सातवें पॉइंट में क्या किया, पी एस व आर एस को मिलाया, पी एस व आर एस को मिलाया। इस प्रकार ये रचना यहाँ खत्म हुई। इस प्रकार हमें अभीष्ट चतुर्भुज पी क्यू आर एस प्राप्त हुआ। क्या लिख देंगे, इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज पी क्यू आर एस प्राप्त हुआ। क्लियर। तो ये आपको रचना के पद भी लिखने होंगे, जब अगर एग्जाम में ये आता है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे कच्ची आकृति, फिर
प्रकार और स्केल की सहायता से हम रचना करेंगे और फिर लिखेंगे हम रचना के पद। क्लियर हुआ उदाहरण? तो इन्हीं सब पर आधारित है प्रश्नावली 4.1। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1। प्रश्न पहला देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है, ये आपको मापे दी गई है। देखिए पांच चीजें हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 मापे पर्याप्त है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कच्ची आकृति। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, सबसे पहले हम खींचते हैं कच्ची आकृति। ये बनाया हमने कच्ची आकृति। तो कच्ची आकृति में हमको चतुर्भुज की रचना करनी है, तो कैसा भी है आप एक चतुर्भुज बना सकते हैं। ये हमने एक चतुर्भुज बना लिया और नाम क्या देना है, ए बी सी डी। तो ये हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। अब देखिए क्या क्या दिया गया है वो लिख देते हैं हम। ए बी 4.5, ये बी 4.5। आगे क्या दिया गया है, बी सी 5.5, ये बी सी 5.5। फिर दिया है सी डी 4 सेंटीमीटर, ये रहा सी डी 4 सेंटीमीटर। फिर दिया है ए डी 6 सेंटीमीटर, ये ए डी 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, तो ए सी 7 सेंटीमीटर, ये ए सी 7 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ शुरू कर रहे हैं ए सी से, ए सी 7 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी ए सी से चालू करें, आप ए बी से चालू करना चाहते हैं तो आप ए बी से भी चालू कर सकते हैं। क्लियर? हम यहाँ शुरू कर रहे हैं दिए गए विकर्ण से। तो सबसे पहले हम खींचेंगे ए सी 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास स्केल होगी, स्केल से आप खींचेंगे ए सी 7 सेंटीमीटर की। तो ये इसको रखेंगे हम बीच में और रचना करेंगे ए सी 7 सेंटीमीटर। 0 पे एक डॉट लगाया, 7 पे एक डॉट लगाया और आप अपनी पेंसिल से मिला देंगे। ये हमको मिल गया ए सी, कितना है ये 7 सेंटीमीटर। अब हमको अगली रचना करनी है डी पॉइंट की। तो ए से हम प्रकार की नोक रखेंगे और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की तरफ काटेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए प्रकार लेंगे, आपके पास प्रकार होगा। और इसकी नोक को हम रखेंगे ए बिंदु पर और क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर जितना इसको खोलेंगे और फिर चाप काटना है हमको ऊपर की तरफ। कितना, 6 सेंटीमीटर का चाप काटना है, ये हमने काट दिया। अब हमको प्रकार की नोक को ले जाना है सी बिंदु पर, ये रखा हमने इसको सी बिंदु पर, और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटेंगे ऊपर की तरफ। तो ये हमने काट दिया, ये सॉरी ये अभी 6 सेंटीमीटर खुला हुआ है, इसको हमको करना होगा कम। कितना खोलना होगा इसको, 4 सेंटीमीटर जितना। तो ये हमने इसको खोल दिया 4 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमारा चाप कटेगा ऊपर की तरफ, कितना काटना है हमको, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटना है। तो ये जो काटा है चाप, ये है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो ये जो पॉइंट मिला है ये है डी, ऊपर वाला नहीं था, ये वाला जो पॉइंट है वह डी है। अब इस पॉइंट को हमने ए से मिलाया, आप स्केल से मिलाएंगे, ए को मिला दिया डी से और डी को भी मिला दिया हमने सी से। तो यहाँ पर ये तो है 6 सेंटीमीटर की और ये जो है वह है 4 सेंटीमीटर की। क्लियर? अगला स्टेप क्या होगा, देखिए सी से ही 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप नीचे की तरफ काटना है। तो इसको हम खोलते हैं बी 5.5। तो ये हमने खोला इसको, ये देखिए ये खुल गया 5.5 और हमको अब क्या नीचे की तरफ चाप काटना है। तो इसको हम ले आए नीचे और एक चाप काट दिया 5.5। अब हमको क्या करना है, इसको रखना होगा ए पर और नीचे की तरफ चाप काटना है 4.4। तो इसको खोलेंगे हम 4.4 जितना और नीचे की तरफ एक चाप कटेगा। तो देखिए इसको घुमाया नीचे की तरफ और चाप एक काटा 4.4। ये छोटा पड़ रहा है तो हमको क्या करना है, आपको बड़ा चाप काटना होगा। क्लियर? अभी हम ऐसे ही बढ़ा रहे हैं, आपको प्रकार से ही बढ़ाना है ऐसी स्थिति में। और ये पॉइंट आ जाएगा बी। अब क्या करेंगे, ए को बी से मिलाएंगे, ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया। तो ये जो रेखा है वह तो हो गई 4.5 और ये जो रेखा है वह बन गई 5.5 सेंटीमीटर की। तो ये हमें अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त हो गया ए बी सी डी। क्लियर? तो इस सवाल में भी आपको क्या लिखने होंगे, रचना के
पद, तो किस प्रकार लिखने हैं वो हम समझ चुके हैं। तो ये देख लीजिए लिखने का जो तरीका रहेगा, सबसे पहले एसी 7 सेंटीमीटर की खींची, ए को केंद्र मानकर तथा 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एसी के नीचे एक चाप लगाते हैं। जिस जैसे आप सिक्वेंस से चलें उसी सिक्वेंस से आप लिखते जाएंगे। आगे सी को केंद्र मानकर तथा 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप लगाते हैं जो पहली चाप को बी पर काटता है। अब ए बी और बी सी को मिलाते हैं। फिर क्या करा, ए को केंद्र मानकर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ए सी के ऊपर एक चाप लगाते हैं। फिर सी को केंद्र मानकर तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर दूसरा चाप लगाते हैं जो पहले चाप को डी पर काटता है। फिर क्या कर देंगे, ए डी और सी डी को मिलाते हैं जिससे हमको अभीष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त होता है। क्लियर, समझ में आया कैसे बनाना है? तो जो भी मापे दी गई होगी आप एक कच्ची आकृति बनाएंगे और उसके अंदर वो दी गई मापे अंकित करेंगे, उसके बाद स्केल और प्रकार की सहायता से रचनाएं करेंगे और बाद में लिखेंगे आप रचना के पद। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा, चतुर्भुज जे यू एम पी जिसमें जे यू ये है, यू एम ये है, एम पी पी जे पी यू की रचना करनी है। तो सबसे पहला स्टेप है कच्ची आकृति बनाएंगे हम। तो देखिए हल रचना की हमने, कच्ची आकृति बनाई, तो खींचते हैं हम कच्ची आकृति। पहले समांतर चतुर्भुज दिया गया है, ये बना दिया हमने एक, आपको बिल्कुल समांतर चतुर्भुज पता है इसलिए समांतर चतुर्भुज जैसी कच्ची आकृति बना ली हमने। नाम दे दिया एम ओ आर ई। क्लियर, क्या क्या दिया है अंकित करते हैं। ओ आर 6, तो ये ओ आर 6 सेंटीमीटर की है। ई ओ 7.5, ई ओ ये दिया है 7.5 और दिया है एम ओ 7.5, एम ओ 7.5। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये 6 है तो ये भी 6, ये 7.5 है तो ये भी 7.5। यहाँ पर देखिए आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ तो तीन ही चीज़ें दी गई हैं या तीन ही मापे दी गई है जो कि पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर आपको एक क्लू दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो ये चारों भुजाएं दी गई, एक विकर्ण दिया गया तो हो गई 5 मापे जो कि पर्याप्त हैं। तो अब रचना करना हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ हम शुरू कर रहे हैं ओ आर से, ओ आर 6 सेंटीमीटर की खींचते हैं हम। तो सबसे पहले हमने स्केल से लिया, ओ आर 6 सेंटीमीटर की खींची, आप सारा काम स्केल प्रकार से ही करेंगे। क्लियर, तो ओ आर 6 सेंटीमीटर की खींची। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ई प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, ओ से 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे और आर से 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ई बिंदु पे मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी और काटा 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप, यहाँ से रख के काटा 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप, ये दोनों कहाँ मिल गए, ई बिंदु पर। क्लियर, अब जो ई बिंदु मिला है उससे हम ओ को मिला देते हैं, कि मिलाया ओ, अब इस ई को मिलाया आर से, तो ये तो हो गया 7.5 और ये हो गया 7.5। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको ये बिंदु मिल गए, इतनी आकृति हम रचना कर चुके हैं। अब देखिए ओ से 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे और ई से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे, तो कहाँ मिलेंगे, एम पे मिलेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ से भी हमने क्या रखा, प्रकार खोला 7.5 सेंटीमीटर और इधर से खोला 6 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ मिल गया। अब क्या करेंगे, जो पॉइंट मिला है उसको नाम दे दिया हमने M, जो M पॉइंट है उसको हमने O से मिला दिया, ये जो M पॉइंट है उसको हमने E से मिला दिया। तो इस प्रकार हमको हमारा समांतर चतुर्भुज M O R E प्राप्त हुआ और यहाँ पर क्या है, ये 7.5 है और ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी हमको शो करना है। क्लियर, कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर हम विकर्ण लेके नहीं चालू हुए, हमने एक भुजा से चालू किया है, आपकी इच्छा है विकर्ण से तो आप विकर्ण से भी चालू हो सकते हैं। क्लियर, तो समझ में आया आपको कैसे रचना करनी है, प्रकार पेंसिल और स्केल की सहायता से, और फिर हमको लिखने हैं रचना के पद। देखिए क्या क्या है, ओ आर बराबर 6 सेंटीमीटर खींचते हैं, ओ को केंद्र मानकर तथा 7.5 सेमी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं, आर को केंद्र मानकर तथा 7.5 सेमी त्रिज्या लेकर एक दूसरा चाप लगाते हैं जो पहले चाप को ई पर काटता है, ई बिंदु मिल गया, ओ ई और आर ई को मिलाते हैं। क्लियर, अगले स्टेप में क्या किया, ओ को केंद्र मानकर फिर 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया,
अब जो नया बिंदु ई मिला था, ई को केंद्र मानकर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक अन्य चाप लगाते हैं जो पहले चाप को एम पर काटता है। क्लियर। ओ एम और एम ई को मिलाते हैं, इस प्रकार एम ओ आर ई वांछित समांतर चतुर्भुज हमको प्राप्त हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया। अब नेक्स्ट है हमारा सम चतुर्भुज बी ई एस टी। एक सम चतुर्भुज की रचना करनी है बी ई एस टी, जिसमें अब आपको लग रहा है कि तो दो ही मापे दी गई है, तो सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। क्लियर। तो एक कच्ची आकृति हम सबसे पहले बना रहे हैं, कच्ची आकृति देखिए, सम चतुर्भुज है, चारों भुजाएं कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर बना दिया हमने बी ई एस टी। देखिए क्या क्या दिया है, बी ई दिया है 4.5, बी ई 4.5 दिया है, इसका मतलब सारी भुजाएं क्या होगी 4.5, क्योंकि क्या बनाना है हमको, सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अगला दिया है ई टी 6 सेंटीमीटर, तो ई टी कहाँ है, ये ई टी 6 सेंटीमीटर। तो रचना कर रहे हैं हम, शुरुआत करते हैं बी ई से। तो हमने सबसे पहले स्केल की सहायता से बी ई बना दी, ये बी और ये ई कितनी 4.5 सेंटीमीटर की। क्लियर। आगे वाली स्टेप में बनाया हमने, ये 4.5 की हो गई, देखिए यहाँ से ई से 6 सेंटीमीटर और बी से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे तो ये किस पे, ई टी पे मिल जाएगा। ये किया हमने बी से 4.5 और ई से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, ये कहाँ मिले, तो यहाँ मिल गए ये टी पर, इनको मिला दिया हमने, इस ई को भी मिला दिया। क्लियर। तो ये तो हो गई 6 और ये हो गई 4.5। अगली स्टेप में क्या करेंगे, ये हमको इतनी रचना तो हो गई, अब ये पॉइंट चाहिए, तो क्या करेंगे, टी से 4.5 और ई से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। तो यहाँ पर प्रकार की नोक रख के 4.5 का चाप, इधर से भी 4.5 का चाप, और इस प्रकार हमको मिल जाएगा एस बिंदु। अब क्या करेंगे, एस को टी से मिलाएंगे, ये मिला दिया एस को टी से और एस को ई से। तो ये देखिए ये 4.5 है, ये भी 4.5 और ये भी 4.5। तो हमको किस प्रकार की आकृति मिल जाएगी, एक सम चतुर्भुज प्राप्त होगा बी ई एस टी। क्लियर। तो अगला स्टेप होगा इसके रचना के पद लिखने होंगे। तो सबसे पहले हमने खींची बी ई खींची 4.5 सेंटीमीटर की, बी को केंद्र मानकर तथा 4.5 सेमी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया हमने, यही किया था, बी को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा था, और बाद में ई को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या लेकर दूसरा चाप लगाते हैं जो पहले चाप को टी पर काटता है। अब जो हमको नया पॉइंट टी मिला है, उस टी को बी से और ई से मिला के बी टी और ई टी प्राप्त करें। क्लियर। अगले स्टेप में क्या किया हमने, टी को केंद्र मानकर 4.5 सेमी त्रिज्या का एक चाप लगाया और ई को केंद्र मानकर 4.5 सेमी त्रिज्या का एक चाप लगाया, जो दोनों एक दूसरे को एस पर काटते हैं। अब हमको एस बिंदु मिल गया, तो क्या किया, टी एस और ई एस को मिला दिया, इस प्रकार हमको वांछित चतुर्भुज सम चतुर्भुज बी ई एस टी प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ, समझ में आए। तो ये चारों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे आगे की प्रश्नावली के साथ, तब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद।